तो गाइज आज हम करने वाले हैं पेपर क्राफ्ट चैलेंज और यहाँ पे रखा है एक बाउल, उसमें रखी है कुछ चिट्स और उसमें कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई है जिन्हें हमें पेपर क्राफ्ट करके दिखाना है। और आज के चैलेंज में एक टीम है मेरी और वंशिका की और एक टीम है रितिका और प्रियंका भाभी। और आज के चैलेंज में होंगे टोटल 5 राउंड्स और एक एक करके यहाँ से हम हर राउंड में चिट चूज करेंगे, जो भी उसमें आएगा वो हमें पेपर क्राफ्ट करके बनाना है। और जो टीम यहाँ पे सबसे अच्छा पेपर क्राफ्ट करेगी, मतलब जिसने वो चीज एकदम सही बनाई होगी, उसको मिल जाएगा फूड। तो जल्दी से करते हैं हम अपने चैलेंज को स्टार्ट। उससे पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो हम करते हैं अपना फर्स्ट राउंड स्टार्ट और चिट चूज कर लेते हैं यहाँ पे वंशु। तो देखते हैं कि हमारे फर्स्ट राउंड की चिट में क्या आता है, हमें क्या पेपर क्राफ्ट करना है। हाथी। तो ये है हमारे चिट, हम इसे चारों पढ़ लेते हैं। बोट। ओके, तो मतलब फर्स्ट राउंड में हम दोनों टीम को बनानी है बोट और जो जल्दी बना देगी, मतलब जिसकी सबसे पहले बनेगी और अच्छी बनेगी, उसको मिलेगा फूड। ओके, चलो शीट ले लेते हैं। तो गाइस दोनों टीम यहाँ पे पेपर लेके रेडी है और आप लोग बोट बनाने के लिए रेडी हो? यस। ओके, 3, 2, 1 स्टार्ट। मंजू बनती कैसे है बोट? अरे हमने यहाँ पर अपनी प्यारी सी बोट बना ली है हरे कलर की। और हमारी बोट ना भी आधी रह गई है, बस इसको ऐसे फोल्ड करके बस थोड़ा सा ही करना था, पर हम थोड़ा सा लेट हो गए। और मैं इसे कह रही थी भी कि बंशु मुझे सब आता है बनाना, बस मुझे हल्की हल्की हेल्प करती हूँ और हम दोनों जीत जाएंगे। भाई बोट तो बनाएगी ईद पे। अबे यार मैं कंफ्यूज हो गई थी कि कैसे बनाना है। गाइस देखो, जब बारिश होती थी ना बचपन की, मैं आपको बता रही हूँ, तो इतनी हमने बोट बना के पानी में भाई है ना, इतनी मतलब मुझे ना एकदम से वही याद आ गई, बचपन की बातें लगती है। मेरे दिमाग में तो ना पेपर से बहुत सारी चीजें आ रही थी, तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज भी हो रही थी कि मैं सही बना रही हूँ या नहीं बना रही। एक बार तो एरोप्लेन बनाना स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो गाइस फर्स्ट राउंड में फूड मिलता है सामने वाली टीम को, मतलब प्रियंका भाभी और रितिका को। तो आप दोनों क्या खाओगे? हम खाएंगे डोरिटोस। तो गाइस मैंने और रितिका ने यहाँ पे लिए डोरिटोस, ये हमारी बोट, ये बहुत ज्यादा यम्मी है, बहुत ज्यादा। तो गाइस फर्स्ट राउंड में सामने वाली टीम को मिल गया है फूड बोट बनाने से, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट राउंड की तरफ। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्या आपने कभी लॉटरी गेम खेला है? अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे एक लॉटरी गेम मिला है जिसमें आपको लूज करना ही इम्पॉसिबल है, मैं बात करूँ ऐसे फीचर के बारे में जिसका नाम है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपको बस साइन अप करना है और एक ही बार सिर्फ डिपॉजिट करना है और जीतो हर दिन। यस, ये इतना ही सिंपल है। आपको हर रैंडम गेम्स पे फ्री स्पिन मिलेगी और साथ ही साथ आपको लॉयल्टी प्रोग्राम और मोस्ट बेट पॉइंट्स भी मिलेंगे। सिंपली आपको लॉग इन करना है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून को स्पिन करना है और अपने प्राइस को रियल मनी में यूज कीजिए। मैं बस इतना ही करती हूँ हमेशा टॉप पे रहने के लिए। अगर आपको और भी बोनसेस चाहिए तो मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, तो उस पे जाकर विजिट कीजिए। और आप साइन अप करके मेरा प्रोमो कोड प्राची भी यूज कर सकते हैं और आपको मिलेगा आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे 150% बोनस एज अ फ्री गिफ्ट और 250 फ्री स्पिन। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड राउंड। तो अब चिट चूज करने की बारी तुम्हारी है। ओके, देखते हैं गाइस इस बार क्या आता है। घोड़ा फोर्स बनाना है। तो गाइस ये हमारी चिट जिसमें आई है फिश। ओके, फिश कैसे बनाएंगे बच्चों? सो गाइस अब हम बनाने वाले हैं फिश, तो रेडी रितिका? रेडी। 1, 2, 3 एंड गो। अगर थोड़ा सा हम इसमें इसका फेस और कलर भी बनाए तो ये और ज्यादा सुंदर बन जाएगी, बट ये अभी कंप्लीट है। तो गाइस मैंने और वंशु ने लिए मेरी फेवरेट रस मलाई। यम्मी यम्मी रस मलाई। तो गाइस फेवरेट तो मेरी भी है और रितिका की भी है, बट अब वो मुझे पता है वो हमसे पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि डोरिटोस भी हमने उनसे नहीं पूछा था,
और यार रसमलाई के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं पूछने वाली क्योंकि मुझे रसमलाई बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आपने प्राची की वीडियो देखी है हु नोज मी बेटर, उसमें उसने बताया है कि रसमलाई उसकी फेवरेट है। तो यहाँ पर गाइस प्राची और वंशु अपनी रस मलाई एंजॉय कर रहे हैं और इसी के साथ हम जल्दी से चलते हैं अपने थर्ड राउंड की तरफ। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड राउंड और चिट चूज करने की बारी भी हमारी है, तो मैं चिट चूज करती हूँ इस बार और देखती हूँ कि हमारे पास क्या आता है बनाने के लिए। पता नहीं क्या है, बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है। तो गाइस ये है हमारी चिट और अब हम चारों भी देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आया है। एरोप्लेन, ये तो बहुत बड़ा है। तो अब हम एरोप्लेन बनाना स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। अगर इतने बड़े से नहीं बनेगी तो काट ले इसको पेपर को। बहुत सारे ऐसे एरोप्लेन, तो गाइस आप देख सकते हो अभी हमारे सामने वाली टीम ऐसे पेपर लेके बैठी हुई है और हमने यहाँ पे प्लेन उड़ा दिया। ये मिलेगा फूड। तो आप बताओ रितिका तुम्हें क्या लेना है? हम लेंगे ये, नहीं ये बिंगो, बिंगो। तो हमने लिया है बिंगो हॉट एंड स्पाइसी कोरियन स्टाइल चिप्स और अब एंजॉय करेंगे मैं और रितिका और सामने वाली टीम हमें देखेगी बस आराम से बैठ के। तब तक बना सकते हो तुम आरोप ऐसे। गाइस आप देख सकते हो कितनी ज्यादा रेड चिप्स है ये। क्या रेड तो ना हम ना बहुत ज्यादा उसमें रह जाते हैं मंशू, ये सुंदर बना रहे हैं, सुंदर बना रहे। लो भाई हमारा हवाई जहाज भी बन के रेडी है, हम भी उड़ाई देते हैं इस पर। मंशू बैठ इधर। तो गाइस सामने वाली टीम तो यहाँ पे अपनी ये कोरियन स्टाइल चिप्स एंजॉय करती रहेगी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट राउंड की तरफ। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ राउंड और चिट चूज करने की बारी हमारी है। अच्छा तुम्हारी है, ठीक है। तो अब चिट चूज करने की बारी तुम्हारी है, तो तुम चिट चूज करो। okay, let's go. तो गाइस इसमें आया है बुक मार्क। तो गाइस यहाँ पे दोनों टीम ना पेपर लेके एकदम रेडी हो चुकी है, तो सामने वाली टीम आप लोग रेडी हो बुक मार्क बनाने के लिए? बिल्कुल। ओके 3, 2, 1 स्टार्ट। मुझे और वंशिका को, तो वंशु बताओ क्या खाना है? तो हम लोग खाएंगे दही गोलगप्पे। पर भाई हमारे पास अभी चांस है ना, तो हम गोलगप्पे तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो गाइस यहाँ पे वंशु ने और मैंने लिए थे दही गोलगप्पे और हमारे दही गोलगप्पे बिल्कुल रेडी है और मैं और वंशु यहाँ पे इनको खाने के लिए भी बहुत ज्यादा रेडी है। दो एक्स्ट्रा है, एक एक खा लेंगे। बहुत क्रंची भी है, यम। नाइस। तो गाइस प्राची और वंशु यहाँ पे अपने दही गोलगप्पे एंजॉय कर रहे हैं और हम जल्दी से चलते हैं अपने लास्ट राउंड की तरफ। तो ये है हमारा लास्ट राउंड और चिट चूज करने की बारी है हमारी, तो मैं चूज कर चुकी हूँ, एक ही बच्ची है। और गाइस अभी तक तो टाई हो चुका है ना, दो इनके पॉइंट है, दो हमारे। लेट्स सी। तो ये है हमारी चिट और अब हम इससे डॉग फेस। डॉग फेस कैसे बना? मतलब पेपर पे बनाना है सिर्फ? नहीं, पेपर क्राफ्ट करना है, मतलब पेपर से बनाना है। ओके, तो गाइस देखते हैं कि अभी डॉग फेस कैसे ही बनता है। आर यू रेडी? रेडी। 1, 2, 3 एंड गो। देखते हैं गाइस कौन पहले बनाता है। अगर हम 1-2 सेकंड लेट हो जाते तो आप जीत जाते। दो कान, दो आंख, एक मुंह है। मुंह एक ही होता है भाई, कान भी दो ही होता है।
और अब फूड मिलेगा हमें, और हमें मिला है लेज चिप्स। यहाँ पे बनाया हमने बुकमार्क, ये बनाई हमने बोट, और ये उड़ाया हमने प्लेन। प्लेन अभी हमने मछली हमारी कई टाइम है। तो गाइस आज के चैलेंज में करे थे हमने टोटल 5 राउंड्स, और 5 राउंड्स में 3 राउंड में हम जीते हैं और सामने वाली टीम जीती है यहाँ पे 2 राउंड में। तो हमें तो ये पेपर क्राफ्ट चैलेंज करने में बहुत मजा आया था, होप सो आपको हमारी ये वीडियो देखने में भी बहुत मजा आया होगा। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।